बहरीन में विजिट वीज़ा पे आपको जॉब कैसे मिलेगा, मैं आपको सारी डिटेल आपको दूंगा इस वीडियो में कि बहरीन में अगर विजिट वीज़ा पा रहे हैं तो आपको जॉब मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको लीगल तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, लीगल तरीके से आपको जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर लीगल तरीके से आप कोई भी काम करेंगे तो आपको जो है जॉब मिल जाएगा। तो जॉब कैसे मिलेगा मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, आपको जॉब आप कैसे ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे जॉब आपको कैसे मिल सकता है, मैं आपको सारी जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जल्दी जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि आपका भाई और भी अच्छे तरीके से आपको जानकारी दे सके। तो पहले ये वीडियो देखिए, अब वीडियो देखने के बाद मैं फिर आपसे मिलता हूँ। देखो भाई लोगों, आप दुबई आ रहे हो ना, आप विजिट पे हो, विजिट पे जब आओगे तो जॉब आपको एकदम तो मिलने वाली है नहीं, आपको टाइम लगेगा, घूमना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप एक काम करिए, अपना CV बना के कम से कम 50 CV भी अपना फोटो स्टेट करवा लो, 50 CV। आप देख पा रहे पीछे ये है अल मदीना हाइपर मार्केट है, तो आप यहाँ पर अपना एक दो CV डाल दो, अपना दुबई का नंबर होगा, अगर यहाँ पर वैकेंसी खाली होगी तो आपको जॉब मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ भी अपना CV डाल दो, इधर देख पा रहे हो सामने, उधर दुकानें भी है, मार्केटें भी है, तो अपना एक दो CV उधर डाल दो। मतलब कहने का ये है कि CV कितना ज़्यादा आप दुकान पर डालोगे उतना आपका फ़ायदा है। अब किसी के भरोसे मत बैठो, ना तो मेरे भरोसे बैठो, ना अपने भाई के, ना अपने चचा के, किसी के भरोसे मत बैठो, ठीक है ना। अपना खुद रूम से बाहर निकलो, CV डालो, एक यहाँ एक वहाँ, और सामने देख रहे हो ना लक्की सेंटर, तो लक्की सेंटर के अंदर भी वैकेंसी खाली रहती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, तो आपको CV यहाँ भी डाल देना है, अपना CV डाल के छोड़ दो, वैकेंसी खाली होगी, आपको जॉब मिलने का मौका मिल जाएगा। अगर आप रूम में बैठे रहोगे तो फिर काम जो मिल। दोस्तों इस वीडियो में जो दिखाया गया है वो सही बात है, आपको कभी भी बहरीन कंट्री में आ रहे हैं, चाहे कोई भी कंट्री में जा रहे हैं, तो आपको जो है कम से कम अगर इंडिया से हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे बांग्लादेश, चाहे नेपाल, कहीं से भी हैं, तो आपको कम से कम 50 से 60 CV आपको ले के आनी चाहिए। 50 से 60 CV आपको वहीं पर बनवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर बनवाते हैं तो आपको जो है रेट ज़्यादा लगेगा। अगर एक एक CV अगर बनाएंगे, अगर मान के चलिए 5 पेज है, तो यहाँ पर आपको 150-200 देना पड़ जाएगा। अगर इंडिया से बनवाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी अगर आप बिजली वीज़ा पर जॉब करने के खोजने के लिए आ रहे हैं तो आप CV बनवा के आइए, कम से कम 50 से 60, जितना आप CV बनवा सकते हैं आप उतना बनवा के आइए, 20-30 CV मत बनाइएगा, 50 के ऊपर ही CV बनाइएगा, तभी आपको जल्दी से जॉब मिलेगा। अगर 20-30 CV लेके आएंगे तो आपको जल्दी नहीं मिलेगा, टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए अगर जल्दी चाहिए जॉब तो कम से कम आपको 50 से ऊपर ही CV बनाएं, 50 से ऊपर ही CV बनाएं, तभी आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। कहीं भी आप मतलब कि ऐसा आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।